हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारे पास में टॉपिक जो हमारे पास में है उसका नाम है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अपन कर रहे थे यानी फोर्थ ए कर रहे थे अपन वैसे तो, अब मैं बता रहा हूँ फोर्थ बी एक्सरसाइज। फोर्थ बी एक्सरसाइज यानी जिसको अपन क्या करेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर उसको अपन चेंज करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो टॉपिक हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वह अवकल समीकरण जो समघात रैखिक अवकल समीकरण ना हो, यानी अपन क्या करेंगे उस अवकल समीकरण को अपन चेंज करेंगे किसके अंदर, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे अपन, ठीक है। उसको अपन चेंज करेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में, उसको अपन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास में टॉपिक है और जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास में है फोर्थ बी। जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास में है फोर्थ बी, ठीक है। सबसे पहले इसकी फॉर्म देखते हैं, इसकी फॉर्म क्या होती है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म इज, देखो फॉर्म क्या होती है इसके लिए, ए प्लस बी एक्स की पावर एन और डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन, ठीक है, प्लस ए वन ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ भी क्या मिल जाएगा, डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन, प्लस ए टू ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस टू, यहाँ से रहेगा डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट टर्म देखो ए एन एन माइनस एन, यानी जो लास्ट की जो टर्म्स आएगी आपके पास में वो टर्म्स क्या आएगी, जीरो, ठीक है। तो ए एन वाई इक्वल टू रहेगा हमारे पास में क्यू ऑफ एक्स, ये फॉर्म रहेगी हमारे पास में। हेयर ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर कॉन्स्टेंट, ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट, क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, किसका मान रहेगा हमारे पास में, क्यू, तो क्यू एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारे पास मान रहेगा क्यू एक्स के लिए। तो क्यू एक्स का मान क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स, क्लियर है। अब देखो इधर ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में चेंज करने क्या करेंगे अपन, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी अपन क्या करेंगे इसके अंदर, मानेंगे कि माना कि a प्लस बी एक्स बराबर वी, तो कोई बोले कि dv बाई डी एक्स का मान बताओ, तो dv अपॉन में dx,
केवल यहां से क्या आएगा b, इसका तो जीरो और इसका x के रिस्पेक्ट में b। कोई बोले कि dy by dx का मान निकाल लो, कि dy by dx का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास में, तो dy by dx बराबर, इसका मान तो निकालना है ना, dy upon में dx बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, dy upon में dv और dv upon में d of x, यानी बराबर dy upon में dv, तो एजिटिव रहने दो, dy upon में dv और dv by dx का मान क्या है यहां से b, यहां से मान क्या है b, ये किसकी जगह आ गया, dy upon में dx का मान हमारे पास में ये आ गया b, यानी x का गुणांक ध्यान रखना b dy upon में d of v, ठीक है। सेकेंड वाले का करेंगे तो मान क्या आएगा, इसी प्रकार डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास मिलेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी वी स्क्वायर, लास्ट लास्ट वाला डी एन वाई अपॉन में डी एक्स, एन का मान क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा बी एन और ये रहेगा डी एन वाई अपॉन में डी वी एन, ये रहेगा लास्ट वाला मान। इन सभी मानों को उठा के बस इसके अंदर पुट करना है, काफी काम आसान है। अब जो अपना फॉर्मेट रहेगी ना वो इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा a प्लस बी एक्स, यानी कहीं भी ये देखो ये दिया हुआ रहेगा 2 प्लस का 3x और फिर दिया हुआ रहेगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, ध्यान रखना। अब इसकी पावर 2, तो इसकी पावर 2 रहेगा, अभी भी पावर तो वही रहेगा 2 2 3 3 4 4 5 5 लेकिन यहां पर रहेगा a प्लस बी एक्स, यहां पर रहेगा a प्लस बी एक्स। तो ये मान क्या है हमारे पास में डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन के लिए, वो क्या है, वो ये है बी एन डी एन वाई अपॉन में डी वी एन, ठीक है, क्लियर है। देन ये जो लिखा था फॉर्मेट, इसका नाम डाल दो एक नंबर, देन इसका नाम मान उठा के पुट कर देते हैं बस, देन इक्वेशन वन इज ए प्लस बी एक्स, क्या मान, क्या माने थे अपन, वी वी एन वी एन और इसके कारण डी एन वाई बाई डी एक्स एन, इसके कारण और मान आएगा डी एन वाई एन बी एन बी एन, इसके कारण और डी एन वाई अपॉन में डी एन वाई अपॉन में डी वी एन प्लस, ये देख लो एक बार ध्यान से डी वी एन, सेकेंड टर्म देखो यहां से प्लस ए वन, इसका मान क्या मिल जाएगा v की पावर n माइनस वन और इसका मान माइनस के लिए वो क्या मिलेगा हमारे पास में b की पावर n माइनस वन और साथ में डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी वी एन माइनस वन प्लस, एक और लिख देता हूं a2 v की पावर n माइनस टू b की पावर n माइनस टू और यहां से रहेगा डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस टू एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म्स और देखो ध्यान से कि लास्ट वाली टर्म्स जो हमारे पास में है वो क्या बनेगी हमारे पास में, ये टर्म्स तो वही रहेगा एज इट इज, यानी a n y, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये बन जाएगा अपने आप ही लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, समझिए फॉर्मेट, यानी जो क्वेश्चन आएगा ना वो a प्लस बी एक्स टाइप का आएगा, यानी हमें क्या करना है a प्लस बी एक्स को पूरे को ही लेट कर लेना है, a प्लस बी एक्स को पूरे को ही लेट करना है, फिर सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मेट बना लेंगे, मान तो अभी भी वही निकलेगा सी एफ और पी आई, सी एफ और पी आई, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर यानी पूरी यूनिट के अंदर सी एफ और पी आई ही निकालना है हमें, इसमें और निकालना है, लेकिन उसको इस तरीके से सब्सटीट्यूट करने के बाद में निकालना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और समझ में आएगा,
चलें क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ देखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 1 plus x square d2y upon में dx square plus 1 plus x divided by dx plus 1 plus x divided by dx plus y बराबर 4 cos 4 cos plus y बराबर 4 cos log 1 plus x 4 cos log 1 plus x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर आगे तो सब में सेम ही प्रोसेस चलेगा। ए प्लस बी एक्स, ए का मान 1, बी का मान 1, ए प्लस बी एक्स की पावर एन, एन का काम कर रहा है 2, तो 2 और 2 एक और एक, मतलब होमोजीनियस तो है ये, लेकिन कांस्टेंट की टर्म्स यहाँ से हटाना है। मतलब कांस्टेंट की टर्म्स हटाने के लिए फिर से वही चीज़ है, कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। तो माना कि 1 plus x बराबर v, ठीक है। और पुटिंग जो हमारे पास में है वो क्या गया, पुटिंग है हमारे पास में z बराबर log x और x बराबर e की पावर z, जो पुटिंग है उसको तो हमें लिखना ही है। पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, देन वी गेट, पुट इन इक्वेशन वन देन वी गेट, देखो क्या मान मिलेगा हमारे पास में, देन वी गेट, देखो 1 plus x को माने अपन v, ये रहेगा वी स्क्वायर, इधर से रहेगा वी स्क्वायर, और ये किस में चेंज हो रहा था, फॉर्मेट क्या था, बी भी बाहर निकलेगा, यानी इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो यहाँ से डेरिवेटिव आएगा 1, करके दिखा दूंगा एक बार और दिखा देता हूँ। सिंस 1 plus x equal to v, अगर dv/dx निकाले यहाँ से तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 equal to x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ से मिलेगा dv/d(x), हमें निकालना है सबको dy/dx में, तो dy/dx का मान क्या होता है, dy/dv और dv/d(x), तो dy/dx का मान है 1, तो केवल dy/dx क्या मान जाएगा, dy/dv, रख दो इसके अंदर, देखो क्या क्या मान, 1 plus x ही नहीं तो बनेगा हमारे पास में v स्क्वायर, और d2y किसे मिल जाएगा, एक बार और इसका हो जाएगा, यानी d2y/dv2, vv सेम रहेगा तो ही तो रहेगा होमोजीनियस, यहाँ पे देखो x में है, x में है, तो ये दोनों फिर v में होना चाहिए ना, इसलिए अपन ये काम कर रहे हैं। प्लस यहाँ से मिलेगा हमारे पास में v और यहाँ से dy/d(v), प्लस यहाँ से रहेगा y = 4 cos log v, 4 cos log v, ये फॉर्मेट बन गया हमारे सामने, ये फॉर्मेट हमारे पास में है 4 cos log v।
और x का अब काम क्या कर दिया, z बराबर log v, ध्यान रखना, और v बराबर मिला यहां से e की पावर z, x में नहीं है ये पूरा v में चेंज हो गया ना, तो v बराबर है e की पावर z, तो 1 प्लस x, एक बार तो मिल गया v, और v है फिर से e की पावर z, तो यहां से क्या मिल जाएगा e की पावर v, e की पावर z, सॉरी, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं 4 cos log इधर कैंसिल, यानी z, ये मिल गया हमारे पास इक्वल टू के बाद में फिर से। बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, देखो बता देता हूँ, देखो यहाँ तक बस यही मैंने, आप तो सॉल्यूशन करना है, रटेवाद लोग देखो यहाँ तक नहीं पहुँचते, वो डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं ध्यान से देखना इधर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं ये लोग, और मान लेते हैं वी स्क्वायर, अब बोला जब ये वी तो बोला इधर भी वी बनेगा, तो डी टू वाई अपॉन में डी वी स्क्वायर, इतना लोड ही नहीं लेते लोग, इतने कैलकुलेशन नहीं करते हैं, प्लस बोला इधर भी तो इधर भी, बोला फिर से ये बन जाएगा डी वाई अपॉन में डी वी, प्लस वाई बराबर फोर कोस बोला लॉग वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स को वी मान रखे हैं तो वी, बोला जब पूरा वी में आ गया तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जेड बराबर जो अपन लॉग एक्स रखते थे वो रखना पड़ेगा लॉग वी, तो v बराबर क्या जाएगा e की पावर z, तो बोला v की जगह फिर से क्या जाएगा e की पावर z, इसका मान हुआ ना यानी z मिल गया, यही तो कर रहे थे अपन, तो इतने ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये दिक्कत समस्या जब आती है, जब मान लो यहाँ पे आ जाए 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, तब इसका जो गुणांक है 2 वो और आएगा साथ में, वो जब आएगा जब देखेंगे, पहले तो ये देखो ये ठीक है यहाँ तक, अब अपन मान पुट कर देते हैं, ये तो क्या मिल जाएगा हमारे पास में डी डी माइनस वन प्लस डी प्लस वन वाई फोर कोस जेड, यहां से क्या मिलेगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन वाई बराबर फोर कोस जेड, ठीक है। अब अपन निकालेंगे इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान, तो नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ का मान, माइनस एम प्लस एम कैंसिल, यानी यहां से क्या मिलेगा केवल हमें एम स्क्वायर सहायक समीकरण लेने पर, ये भी लिख दूं क्या, लिख देता हूं चलो, सहायक समीकरण लेने पर एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो m का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। अब और ध्यान रखना फॉर्मूला, देखो अब फॉर्मूला किसके लिए आएगा सी एफ, प्लस माइनस आयोटा क्या कहता है e की पावर a x, x भी नहीं z कुछ है ही नहीं, c1 cos bz, C2 साइन बी जेड, तो सी एफ का मान क्या आ गया C1 वन कोस जेड सी टू साइन जेड, इसको V में चेंज करना बस ये ध्यान रखना, C1 वन कोस जेड का मान क्या है हमारे पास में लॉग V, लॉग V प्लस C2 टू साइन लॉग V, ये हमारे पास मान किसके लिए आया है सी एफ निकालने के लिए, पूरक फलन का मान, ठीक है। तो पूरक फलन का मान क्या है हमारे पास में, ये कंप्लीट मान आया हमारे पास में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जेड को चेंज कर दिए लॉग वी में, और आंसर तो एक्स वाई में ही चाहिए, फिर वी को चेंज करेंगे वन प्लस एक्स में, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे सी वन कोस v की जगह log
वन प्लस एक्स, क्योंकि आंसर तो एक्स वाई में चाहिए भाई, क्वेश्चन जब एक्स वाई में था तो आंसर भी एक्स वाई में चाहिए, प्लस सी टू साइन लॉग वन प्लस एक्स। ठीक है, नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पी आई, तो पी ऑफ आई इक्वल टू वन अपॉन में एफ डी, यानी डी स्क्वायर प्लस वन, और इधर क्या है इक्वल टू के बाद में फोर कोस जेड। साइन कोस का मेथड बन गया ये तो, और साइन कोस मेथड क्या कहता है कि इसके अंदर हमें पुट करना है जेड स्क्वायर की जगह माइनस वन, जेड स्क्वायर नहीं डी स्क्वायर की जगह माइनस वन। ठीक है, पुट कर दो डी स्क्वायर की जगह माइनस वन, बोला माइनस वन प्लस वन जीरो, बोला आप लगा दो फॉर्मूला पी आई, फोर तो बाहर है ही, फॉर्मूला क्या बनता है एक्स बाई टू इंटीग्रेशन कोस जेड डी जेड, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फोर एक्स नहीं सॉरी जेड में चल रहा है ना, तो जेड बाई टू, जेड बाई टू साइन जेड, टू जेड यहां से साइन जेड, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बराबर टू, जेड को सबसे पहले चेंज करना है वी में, यानी लॉग वी, टू लॉग वी साइन जेड की जगह फिर से लॉग वी, और अब इसको फिर से चेंज करना है एक्स वाई में, यानी वी की जगह वन प्लस एक्स, टू लॉग वन प्लस एक्स साइन लॉग वन प्लस एक्स, ये मान हमारे पास में आया है पी आई के लिए, देख लो इसको आराम से। ठीक है, यहां तक ये मान हमारे पास किसके लिए आया है पी आई के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए। देन कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लोगे सी एफ और प्लस का पी आई, देन कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस का पी आई। सॉल्व देखो और क्वेश्चन सॉल्व करना है x प्लस ए का स्क्वायर, x प्लस ए का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए माइनस फोर एक्स प्लस ए, यहां से रहेगा डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स माइनस का फोर एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर एक्स, ये आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कर दें पुट वगैरह, वी में चेंज करना है तो वी में चेंज करते हैं सबसे पहले, और फिर पुटिंग भी,
जो पहले ध्यान रखना, जो पहले जेड बराबर हमारे पास में लोग एक्स हुआ करता था ना, वो अब एक्स का जगह वी में चेंज कर रहे हैं अपन, तो अब वो एक्स चेंज हो जाएगा वी में, ये जरूर ध्यान रखना, बस ये सबसे मेन है। एक्स नहीं रहेगा, वी चेंज हो जाएगा इसके अंदर, वी में आ जाओ इसके अंदर। माना एक्स प्लस ए बराबर वी, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 इक्वल टू यहां से dv अपॉन में d ऑफ x, तो dy अपॉन में d ऑफ x क्या बन जाएगा, dy बाय dx, dy अपॉन में dv और dv अपॉन में d ऑफ x, तो dy अपॉन में dv, इसका तो 1 हो ही गया, तो dy बाय dx तो ये मिलेगा, तो सीधी सी बात है d2y बाय dx से क्या मिलेगा, इसका दो बार स्क्वायर, और डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपॉन में डी वी स्क्वायर, ये तो हो गया इसके लिए। तथा जेड बराबर लॉग वी और वी बराबर ई की पावर जेड, ठीक है, और इसका नाम डाल दिए एक नंबर, इक्वेशन नाम दिए एक नंबर। इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, अब ध्यान से देखना इधर, x प्लस ए यानी v स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी यहां से मिलेगा डी टू वाई अपॉन में डी वी स्क्वायर, माइनस फोर वी ये मिलेगा डी वाई अपॉन में डी वी, प्लस सिक्स वाई इक्वल टू x का मान क्या मिलेगा, जब पूरा v में चेंज हो रहा है तो वो भी v में चेंज होगा, तो x का मान मिलेगा हमारे पास में क्या, v माइनस का a, x का मान क्या मिलेगा, v माइनस का a, v माइनस का x का मान यहां से v माइनस का a, पूरा v में आ रहा है तो x का कोई काम ही नहीं यहां पे, तो इस x को भी यहां से हटाएंगे, x का कोई काम नहीं है यहां पे, तो सीधी सी बात इस x को यहां से हटाना पड़ेगा। अब पुट वगैरह भी कर देता हूं, v की जगह मान वगैरह भी रख देता हूं, इसकी जगह क्या रखना है, d d माइनस वन माइनस फोर डी प्लस का सिक्स वाई इक्वल टू, v का मान क्या है, e की पावर z माइनस ए, ए मतलब कांस्टेंट है यहां पे, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं, देखो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस फोर डी यानी माइनस का फाइव डी प्लस का सिक्स और साथ में वाई बराबर यहां से मिलेगा ए की पावर जेड माइनस का ए, ये किसके लिए मान है, सी एफ के लिए मान है ये हमारे पास, पहले तो निकलेगा इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नाउ वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सहायक समीकरण लेना पड़ेगा, यानी अपन इसके लिए क्या ले लेते हैं, सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर, इसके लिए एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस का सिक्स बराबर जीरो, ये है इसके लिए सहायक समीकरण, ठीक है, कर दो इसका फैक्टर वगैरह, यानी एम माइनस टू एम माइनस थ्री बराबर जीरो, तो m बराबर टू और थ्री,
दोनों द्रव्यमान कैसा है? डिफरेंट है, यानी पूरक फलन सी है बराबर। सी वन ए की पावर 2z, सी टू ए की पावर 3z, रख दो मान। सी वन ए की पावर 2z के लिए क्या रखना है? लॉग वी, लॉग वी प्लस सी टू ए की पावर 3 लॉग वी। ए की पावर लॉग तो हट जाएगा सारा सारा, यानी सी एफ बराबर क्या रहेगा? सी वन ए की पावर लॉग तो 1, यानी वी स्क्वायर प्लस यहाँ से सी टू ए की पावर लॉग 1, यानी फिर से वी क्यूब। वी की जगह फिर से मान रखो एक्स वाई में, वी क्या कहता है? एक्स प्लस ए, यानी सी वन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी टू एक्स प्लस ए का क्यूब, ये निकला है हमारे पास में सी एफ का मान। देखते हो आराम से, ठीक है यहां तक? तो किसके लिए मान निकला है? ये निकला हमारे पास में सी एफ के लिए मान। अब अपन चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की तरफ। 10 वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पी आई इक्वल टू 1/FD, यानी 1/FD का मान क्या है? d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और इक्वल टू बाद में क्या? e की पावर z माइनस a। इसको भी लिख दूंगा e की पावर 0z, कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं। PI तो अब वही सेम ही मेथड लगेगा, बस स्टार्टिंग में जो है ना ये 3-4 स्टेप यही मैन है बस। यानी PI इक्वल टू 1/d² - 5d+6 किसके लिए? e की पावर z के लिए, माइनस e की पावर z के लिए माइनस 1/d² - 5d+6 किसके लिए? e की पावर 0z के लिए। आपके सामने है देखो सारा सारा मान। इसमें तो पुट करना है d की जगह इसमें तो हमें पुट करना है d = 1 और इसमें पुट करना है हमें d = 0 और इसमें पुट करना है हमें d = 0। ठीक है, PI 1/(1+7 - 5) यानी 2, तो 1/2 e की पावर z माइनस a, 0 + 6 यानी 1/6, तो a/6 ये निकला है PI का मान। सबसे पहले z की जगह चेंज करना है v में, यानी pi = 1/2 e की पावर log v - a/6। इसको अपन क्या लिखेंगे? 1/2 e की पावर log तो खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? केवल v और माइनस यहाँ से a/6 और एक टर्म्स क्या बचेगी? माइनस का a/6। v की जगह फिर से मान रखना है और वो मान क्या रखना है? x + a, यानी pi बराबर बनेगा हमारे पास में
एक्स प्लस ए अपॉन में टू माइनस ए बाई सिक्स, ये निकल गया हमारे पास में पी आई का मान, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। ये किसके लिए है? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का मान। ठीक है, तो ये निकलेगा किसके लिए? पी आई का मान, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y बराबर सी ए प्लस का पी आई, वाई बराबर सी एफ कंप्लीट मानिए, इन सी वन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस, यहां से देखो क्या मान है, सी टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब, और पी आई का मान क्या है? प्लस एक्स प्लस ए अपॉन में टू माइनस ए बाई सिक्स, ये मिला है हमारे पास में वाई का मान, ये वैल्यू हमारे पास में है वाई के लिए। तो सी एफ तो इस हिसाब से निकलेगा और पी आई निकालेंगे हम इस हिसाब से, और दोनों को जोड़ करके लिखना है रिजल्ट हमें सी एफ प्लस का पी आई। ठीक है, यहाँ तक मान हमारे पास में क्या क्या आ गया? सी एफ और प्लस का पी आई, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व x प्लस वन का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस वन, माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और यहां से फिर से डी वाई बाई डी एक्स, 3x प्लस वन डी वाई डी एक्स प्लस फोर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, प्लस फोर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, बोले इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज़ है, एक्स वाई को चेंज करना पड़ेगा हमें v वाले फॉर्मेट में, यानी माना कि x प्लस वन बराबर वी, वन एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डी वी अपॉन में डी ऑफ एक्स, डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा? डी वाई अपॉन में डी ऑफ वी, और डी ऑफ वी अपॉन में डी ऑफ एक्स, यानी तो डी वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स का मान तो क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन में डी ऑफ वी, यहां से इसका मान तो एक हो चुका है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या मिलेगा? डी टू वाई अपॉन में डी वी स्क्वायर, एक्स का मान क्या मिलेगा यहां से? वी माइनस वन, वी माइनस वन, एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या मिलेगा? वी माइनस वन का स्क्वायर, और क्या, ये तो हो गया इसके लिए। और दो सब्सिट्यूट और है, वो क्या क्या है? z बराबर log v,
और v बराबर है e की पावर z, और इसका नाम है एक नंबर। तो इन मानों को समीकरण एक में रखने पर, इन मानों को पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन, समीकरण एक में हमें क्या करना है, इन मानों को रखना है, ठीक है। इन मानों को समीकरण एक में रखने पर देखो इक्वेशन, x प्लस वन यानी v स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी डी टू वाई अपॉन में डी वी स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह माइनस थ्री एक्स प्लस वन यानी v डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई अपॉन में डी ऑफ v, यहां से फोर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी v माइनस वन का स्क्वायर, इसको अपन लिखेंगे v स्क्वायर माइनस टू वी और प्लस का वन। फिर से पुट करना है v स्क्वायर, अब बनेगा हमारे पास में d d माइनस वन वाई माइनस का थ्री डी वाई प्लस का फोर वाई इक्वल टू v स्क्वायर यानी e की पावर टू जेड माइनस टू v की जगह e की पावर जेड प्लस वन ए की पावर जीरो जेड प्लस ए की पावर जीरो जेड, ठीक है, वन गुणा है ये साथ में, कॉमन ले लेते हैं डी को यानी डी स्क्वायर माइनस डी माइनस का थ्री डी प्लस का फोर वाई बराबर e की पावर 2z माइनस 2 e की पावर z प्लस e की पावर 0z, ये माना है हमारे पास में किसके लिए है, इसके लिए। अब हमें CF और PI निकालना है, साफ साफ आपके सामने दिख रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकलेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन भी निकलेगा, ठीक है, यहां तक चले आगे। Firstly, we find complementary function. Complementary function, यानी CF का मान ज्ञात करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF का मान याद करना सबसे पहले, तो यानी CF के मान के लिए क्या करेंगे अपन, इस वाले साथ जाओ, CF देखना है ध्यान से, d स्क्वायर माइनस फोर डी और प्लस का फोर वाई बराबर e की पावर टू जेड माइनस टू e की पावर जेड और प्लस e की पावर जीरो जेड, ठीक है, सब कुछ वही है, बस स्टार्टिंग में जो चार पांच स्टेप है ना यही मैंने बस कि ये एडजस्ट, चलो इनमें किसी में आप लोग एक नोटिस कर रहे होंगे कि x का कुछ भी गुणांक नहीं आ रहा है अब तक दोनों तीनों क्वेश्चन में, अब जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में
उसके अपन एक्स का भी गुणांक लेंगे, तब देखना ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्टार्टिंग के तीन चार स्टेप, ठीक है। सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस का फोर बराबर जीरो, तो फॉर्मूला किसके लिए है, एम प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, एम स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एम, ठीक है। यानी m के जो मान है हमारे पास में वो क्या क्या है, 2 और 2, ये हमारे पास में है m के मान। सी एफ बराबर सी वन प्लस सी टू जेड और e की पावर 2z, ये तो था फॉर्मूला, c1 वन प्लस सी टू एक्स, ए की पावर 2x, ये z में है तो z के लिए आ जाएगा। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, c1 वन प्लस सी टू जेड की जगह लॉग वी बाहर ए की पावर टू लॉग वी। अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ, सुनो ये है कि बेस ई है इसके साथ में, ये भी ध्यान रखना। तो सी एफ बराबर यहां से क्या रहेगा, सी वन प्लस सी टू लॉग वी, ए की पावर लॉग तो वी स्क्वायर, साथ में वी स्क्वायर, यानी C1 वन प्लस सी टू लॉग वी को फिर से चेंज करना है x प्लस वन, वन प्लस एक्स, और वी स्क्वायर यानी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान हमारे पास में है CF के लिए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। Now we find particular integration. Now we find particular integration. हमें मान निकालना है PI के लिए। Now we find particular integration PI 1 upon में FD, यानी 1 upon में d square minus 4d plus का 4, और साथ में क्या है, a की power 2z minus 2 a की power z plus a की power 0z, अलग अलग कर दो सबके साथ में, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस का 4, इसके साथ में भी की पावर 2z माइनस 2 वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस 4, इसके साथ में भी की पावर z, और प्लस वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस का 4, इसके साथ में भी की पावर 0z। सबको अलग अलग कर दिए पीआई के लिए, फर्स्ट वाले के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, और थर्ड के लिए अलग, ठीक है। तो तीनों को कर दिया अपन सेपरेट अलग अलग, किसका मान है ये, पीआई का मान है ये। ठीक है, आ जाओ इसके वाले, फर्स्ट वाला क्या कहता है कि इसमें पुट करना है हमें d की जगह 2,
इसमें पुट करना है डी की जगह वन और इसमें पुट करना है डी की जगह जीरो, तीनों में अलग अलग पुट कर दो। दो करोगे तो दो का स्क्वायर फोर, एट माइनस ये देखो जीरो बन रहा है, ये जीरो बनते ही इसका फैक्टर यानी वन अपॉन में डी माइनस टू का होल स्क्वायर और ई की पावर टू जेड माइनस टू, वन रखना है, फाइव माइनस फोर यानी वन, यानी केवल रहेगा यहाँ से टू ई की पावर जेड बस, प्लस जीरो यानी केवल वन अपॉन में फोर। ये फॉर्मूला, दो टर्म जीरो है, जेड स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू और ई की पावर टू जेड माइनस टू ई की पावर जेड प्लस वन बाई फोर। सिंस वन अपॉन में डी माइनस ए, ये अगर जीरो बनता है ए की पावर ए जेड के लिए तो ये फॉर्मूला आता है जेड की पावर आर अपॉन में फैक्टोरियल आर और ई की पावर ए जेड। आर कितनी टर्म्स जीरो हो रही है आपके पास में, आर का मान कितनी टर्म्स जीरो हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स जीरो, कितनी बार जीरो, हिंदी में लिख देता हूं कितनी बार जीरो, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिए, अब इसको चेंज कर देते हैं तो पी आई बराबर जेड स्क्वायर, जेड का मान क्या था लॉग ऑफ वी, तो लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में टू ई की पावर टू लॉग ऑफ वी, यहां से माइनस टू ई की पावर जेड, तो माइनस टू ई की पावर जेड मतलब लॉग वी और प्लस वन बाई फोर। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, यानी पी आई बराबर वी की जगह फिर से वन पुट कर देते हैं, लॉग वी स्क्वायर अपॉन में टू वी स्क्वायर माइनस टू वी प्लस वन बाई फोर, ये किसके लिए है पी आई के लिए। और अब वी की जगह और मान हमें रखना है, वी की जगह और भी मान रखना है हमें, वी की जगह फिर से मान रख दो, पी आई बराबर लॉग वी का स्क्वायर, लॉग एक्स प्लस वन इसका स्क्वायर। अच्छा, v की जगह पहले एक ही पावर z रखना तो पड़ेगा ना, v बराबर क्या है 1 प्लस एक्स, चलो ठीक है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर से v x प्लस वन स्क्वायर स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन और फिर से प्लस वन बाई फोर, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर सी एफ प्लस का पी आई, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो,
सी एफ और पी आई को दोनों को ऐड कर दो, जिससे हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके सामने। ठीक है, सी एफ का मान तो ये है ही, तो इसी वाले सी एफ वाले मान के अंदर पी आई वाले मान को ऐड कर दो, तो हमारे उसमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन यानी पी आई का मान।